जी, आज 22 अगस्त को इस खूबसूरत मौसम में आज बड़ा ही एक पवित्र मुतबर्रक त्योहार है, रक्षा बंधन। रक्षा होता है प्रोटेक्शन, भाई बहन का प्यार, एक पेट से पैदा होने वाले बच्चे, भाई और बहन, कितना प्यार। कि एक अच्छा त्योहार बनाने वालों ने, ये श्री कृष्ण भगवान के टाइम से चला आ रही है हमारे वतन में। वैसे भी तो हमारे मुल्क में चाहे ईद हो, चाहे दशहरा हो, चाहे बैसाखी हो, रक्षाबंधन हो, या होली हो, जितने भी त्यौहार हैं, चाहे गुरुद्वारा के वो जितने भी होते हैं फंक्शन गुरुपूर्व के, हम लोग सारे मिल के मनाते हैं। वैसे भी तो हम सैर करते हैं जब सारे मजहबों के लोग इकट्ठे ही होते हैं पार्क में, और जब कभी कोई फंक्शन होता है तब भी हम सारे लोग इकट्ठे ही होते हैं। जब सीनियर सिटीजन की मीटिंग होती है तब सारे होते हैं। तो हमारा मुल्क एक रंग बिरंगे फूलों का गहवारा है, इस गहवारे में हर किस्म का फूल है, और हम एक दूसरे को देखकर इतने खुश होते हैं, और हर खुशी में हर गम में इतने प्यार से रहते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि मेरे पोते हैं, वो मेरे साथ ही, पोता मेरे साथ होता है, पोती दादी के साथ, दोनों वो ट्विन हैं। तो यूं ही सुबह उठे तो मेरा पोता कहता है मेरी पोती से, वो आज रक्षाबंधन है, मेरी राखी कहाँ है? तो पोती कहती है ये साफ चीज है, पहले उठो, नहाओ धो, तैयार हो, साफ कपड़े पहनो, फिर मैं आपको आपके बाजू पर राखी बांधूंगी साफ तरीके से। ये तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हर चीज का नॉलेज होना बचपन से ही पता होता है। इसी तरह मुझे भी, जिस तरह मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर अनिल अग्रवाल, पठानकोट के हैं, उन्होंने श्रीनगर की है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आई थी उनकी उस कॉलेज में। वो बताते हैं कि मुझे टाइम का पता होता है कि किस टाइम अजां होनी है, किस टाइम नमाज होनी है। तो इस तरह हमें भी पता है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामाया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवे। हर चीज का नॉलेज होना जो है, ये चाहे मजहब कोई भी है, एक दूसरे को नेक ही बताएगा। बुराई करने वाले जो हैं ये तो मजहब के नाम को बेचते हैं और बुराई करते हैं, तो वो मजहब को बदनाम करते हैं। हमें बहसीत इंडियन, बहसीत हिंदुस्तानी, हमें फख्र है, और मुझे इतना फख्र है कि मैं कठुआ में पैदा हुआ हूँ। कठुआ का प्यार मुझे जो है ये कहीं जाने नहीं देता, मुझे कठुआ में बहुत ही, आज के इस शुभ दिन पर मैं सभी भाई बहनों को, सभी लोगों को, खासकर कठुआ के लोगों को और अपने वतन के लोगों को आज के इस शुभ दिन की बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही शुभ दिन है। इसी तरह से हम सबका, जिन लोगों से प्यार होता है, चाहे वो अपनी सगी बहन नहीं है, मिस्टर विजय गुप्ता है, उधर पुलिस वाले, उनकी मिसी जो है वो मेरी बहन है, वो हर साल मुझे राखी बांधती है, नहीं तो पोस्ट कर देगी। ये रिश्ते कायम रहते हैं, और ये रिश्ते जब तक दुनिया रहेगी ये रिश्ते कायम ही रहेंगे। जय हिंद। खान साहब, आपको क्या लगता है कि पिछले साल कोरोना महामारी में भी रक्षाबंधन लोगों ने मनाया, और आज भी जो बहने हैं भाई रक्षाबंधन का त्योहार जो है मना रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कितना भय अभी कोरोना महामारी में लोगों के दिलों से गया है या नहीं गया, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? कोरोना, यहाँ तक ये इस त्योहार की बात है, ये एक ऐसा त्योहार है जिसको मनाना बहुत जरूरी है। एक तो मास्क पहनना बहन के लिए भी, भाई के लिए भी, और अपने घर में गैदरिंग ज्यादा नहीं होने देनी है। अगर हो गए भी कोई 2-4-10 मेंबर फैमिली के, तो वो डिस्टेंस पर ही तालियां बजा दें। तो इस तरह से पिछले साल भी मनाया था, तो थोड़े थोड़े लोगों ने, आज भी इसी तरह से इस चीज का खास ख्याल रखना है कि कोरोना को जबरदस्ती गले नहीं डालना है। कोरोना है, कोरोने का जो नियम सरकार बार बार, चाहे टीवी पे बताती है, चाहे अखबारों में बताती है, चाहे रेडियो स्टेशन से, सभी चीजों, सभी चैनलों से हमें ये खबर मिलती है कि हमने एहतियात बरतनी है, वो जरूरी है, वो बरतनी है। खान साहब, एक सवाल और रहेगा कि आज का जो युवा है, काफी उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं कि वो ड्रग्स में सम्मिलित हो रहे हैं, इसके बारे में युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा?
इस बात के लिए मुझे अपने ही दिल में इतनी तकलीफ है कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि कोशिश यही की सारी उम्र के लोग ऐबों में नहीं फंसे। युवा जो आज का है, एक तो अनपढ़ लोग या बेकार लोग या खराब लोग रास्ते में कहीं मिलते हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं स्कूल, वो पूछते हैं भाई कुछ है जा आना स्कूल चले के करना पड़ी है, उन्हें नौकरी अपने रिश्तेदारों की देनी है, वो डिस्करेज कर देते हैं। हालांकि आज का जो इस वक्त कंपटीशन में जो बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो आईएएस हैं चाहे वो केएस हैं, वो गरीब से गरीब घरों से आ रहे हैं। अमीर बच्चों को फैसिलिटी वाले कम ही आते हैं, वो मेहनत कम करते हैं, और ये जो ड्रग्स हैं जो चीजों को वो लोग खाते हैं, बनी हुई दवाइयां हैं, लेकिन उसका ज्यादा ही यूज करते हैं एक्स्ट्रा, उससे जो तबाही होती जा रही है। युवा में नौजवान में आज इतनी ताकत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, थोड़े से भी ही मेडल, एक गोल्ड मेडल, दो सिल्वर मेडल, चार वो दूसरे लाए ब्रॉन्ज मेडल, सारा मुल्क खुशी से झूम उठा। हमारे मुल्क कम से कम 20 मेडल लाता तो कितनी खुशी होती, हमारा मुल्क हमारे बच्चे ला सकते हैं अगर हम उनको अच्छी लाइन पर लगाएं, अच्छी तरह से उनको स्पोर्ट्समैन सेपरेट उनके अंदर भरें, एजुकेशन भरें। ये डिस्करेज करने वाले ज्यादा हैं, ये कम हों, इनको कम किया जाए। माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चों की तरफ तवज्जो कम देते हैं। बच्चों का माँ भी बाप भी नानी भी नाना भी दादी भी दादा भी सब कुछ टीवी है और मोबाइल है बच्चों के हाथ में। अभी वो नाबालिग हैं उनको स्कूटर दे दिए, अभी वो नाबालिग हैं उनको मोबाइल दे दिया, अभी वो नाबालिग हैं उनको टीवी की पूरी परमिशन दे दी। ये सब चीजें जो हैं, ये नॉलेज भी बहुत है लेकिन बर्बादी भी बहुत है, इसमें मैं क्लियर कहूंगा ये नहीं होना। शुभ दिन जो है रक्षाबंधन, रक्षा का मतलब ही हफाजत है, प्रोटेक्शन है। आज का ये जो शुभ दिन है रक्षाबंधन, मैं इस शुभ दिन पर सभी भाई बहनों को, सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई मुबारक देता हूं। और ये हर साल आता रहे और हम इस तरह खुशी से मनाते रहें और हमारा भाई बहनों वाला जो प्यार है इतना बढ़ता जाए कि एक दूसरे की प्रोटेक्शन भी हो और बहनों को ये यकीन हो कि मेरा भाई जो है ये मेरा प्रोटेक्टर है और मुझे ये कमजोर नहीं होने देगा और ना किसी को डराने देगा और ना मुझे कोई एहसास कमजोरी का रहने देगा। मैं सभी देशवासियों को इस शुभ दिन की बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूं।